हेलो यशराज वेलकम टू लॉकर रूम हेलो हाय कैसे हो आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं एकदम बढ़िया हूँ को ये बताओ कि आपका सरनेम क्या है आपका फुल नेम क्या you, yeah. है एवरीबॉडी hmm. नोज so, यू जस्ट यशराज मेरा पूरा नाम यशराज मेहरा है सो पंजाबी हूँ मैं वैसे बॉम्बे hmm. में

ऐसे ऑफ सेंटर लोकेशन पे पैदा हुआ हूँ <laughs> तो इंटरेस्टिंग रहा है वो भी इन जस्ट पंजाबी इन घाटकों पर इज अ जर्नी इन इट आई फील तो कोई गुजराती ट्रेड्स आए बहुत ज्यादा मतलब

इज वेरी वियर्ड अलूफ किड वॉज मैं बड़ा आई वॉज बिग इन स्पोर्ट्स आई वॉज लाइक छब्बीस फैट किड था टेंथ में भी आई वॉज लाइक नाइंटी फाइव नाइन्टी सिक्स के जीस बसोड़ सा था मैं पहले बट इट वॉज ऑलवेज लाइक आई वॉज ऑलवेज हाइपर एनर्जेटिक मतलब वैसे बचपन से ए थी कि कूदते रहता था मेरे को जमूरा बुलाते थे बोलते बंदर जैसे कूदते रहता तू हर जगह वही था कि बहुत एनर्जी थी पर स्पोर्ट्स नहीं खेलता था तो सब अलग अलग तरीकों में निकलता था वो इट यूज़ टू कम आउट इन प्लेज ड्रामाज इट यूज टू कम आउट इन लाइक डांस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हिप हॉप से भी आई थिंक डांस के थ्रू ही आई हैड गॉटन इंट्रोड्यूस टू इट एज अ जॉनर तो बहुत ऐसे हाइपर एनर्जेटिक था तो वही यूज़ दैट काइंड ऑफ चाइल्ड हुड एंड वही घाटकोवर में हमारी दो माले की बिल्डिंग है घर mm. के बाजू में गार्डन है mm. तो माँ लेके जाती थी वहीं हम खेलते थे पागलों जैसे बस वहां पे मैं मिट्टी में खेलता था पड़े रहता था लाइक वन ऑफ दोस्त और mm. वहाँ पे ऐसा है कि जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द गुजराती पेरेंट्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर चिल्ड्रन कि यार मिट्टी में मत खेल ऐसे mm. मत कर गंदे हो जाएंगे हाथ हाँ बस हार। सही रहना ये बात पे और मेरी माँ बोलती थी जा भाई तू कीचड़ में लेट जा देखो जो करना है करने खिलौने में जो तोड़ दे फोड़ दे जो करना है कर सो आई थिंक वो

आई स्टिल विथ माई पेरेंट्स आई स्टिल लिव इन दैट जॉइंट फैमिली सिचुएशन एंड वो मेरी रियलिटी है I जितना भी फ्रंट बाहर में कुछ भी कितना भी उखाड़ लूँ कितने भी वैनिटी में चले जाएँ कितने भी फ्लाइट में उठ के वापस मुझे उस घर में ही आना है और मैं उस घर में उतना ही स्पेशल हूँ जितना मैं बचपन में था mm. वो अभी बाहर एक अलग तरीके का special है एक अलग नज़रिए से पर वो मुझे कोई भी angle से उस नज़रिए से देख भी नहीं पाएंगे मैं उनके लिए अभी तक वही हूँ सो mm.

Yeah. Yeah. Hey बट मतलब <laughs> स्पेसिफिकली मतलब मेरे, मतलब मेरे केस में मेरे को लगता है वो मेरी दीवार बन रही है लाइक इन माई लाइफ लाइक शी है डिफरेंट कपेसिटीज मतलब हम मे को ये करना भी था ना को हर जगह से रोक टोक तो आती थी कि यार ये क्यों कर रहा है ये hmm. ये कुछ नहीं होता इस फील्ड में कुछ नहीं होता एंड आई आई वॉज ऑलवेज अ क्रिएटिव किट पर यहाँ नहीं होगा इसमें नहीं काम होगा एंड एवरीबडी कि ये क्यों काम नहीं होगा hmm. पर शी वॉज लाइक आई सेट लाइक वो बचपन से वो वाली बात थी कि तू करके तो देख फर्स्ट बिलीवर फर्स्ट बिलीवर आई थिंक एंड माई स्ट्रॉगेस्ट वन टिल डेट आई बिलीव दैट उनके बिना नहीं नहीं पॉसिबल हो सकता था एनी ऑफ दिस एंड दैट्स व्हाट आई कैरी विथ मी आई कैरी दैट दैट ब्लेसिंग एंड दैट इंस्टिंक्ट वो मेरे दादू की मेरी दादी की ऑल ऑफ दिस इंस्टिंक्ट्स दैट आई कैरी विद माय सेल्फ वो बहुत जरूरी है बिकॉज दे आर द फर्स्ट बंच ऑफ बिलीवर्स उनको तो समझ में भी नहीं आता था लाइक hmm. like, मेरी माँ को रैप कर, रैप से दूर दूर तक न आता नहीं hmm. मैं उनको गाना सुनाता था वो मेरे को बोलती थी अरे मस्त है अब स्लोली पढ़ के सुना। <laughs> तो मैं उनको एक एक लिरिक बैठ के समझाता था कि ये क्यों बोला है ये कैसी बात है ये वैसे सो दैट हैज बिन लाइक एक और बात बताना चाहूंगा hmm. कि बिफोर uh, लाइक like, uh, जब हम लोग साइफर वाले दिनों में थे hmm. ऐसे में वर्सेस डालता था इंस्टाग्राम पे तो वन ऑफ़ द फ्री वर्सेज बैक इन द डे मैंने किया था रित्व का एक गाना था सेज करके हाँ. उस पर मैंने एक फ्री वर्स किया था और मेरे को याद है मैं वापस आ रहा था कॉलेज से तो मैं ट्रेन में बैठ के मैं वो फ्री वर्स लिख लिया पूरा मैं घर पहुंचा मैंने मम्मी को बोला मम्मी mmm, सुनो हुँ. मेरे को ये रिकॉर्ड करना है और इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्री वर्सेज जो मैंने निकाले तो मेरी मम्मी फोन पकड़ के खड़ी हुई थी एंड शी रिकॉर्डेड मी स्पिटिंग दैट एंटायर वर्स

तो उन्होंने स्पेशल परमिशन निकलवाई उनके स्कूल से कि वो मतलब कि मैं वहाँ जाके म्यूज़िक वीडियो शूट कर पाऊँ आफ्टर दी आर्ट्स सो लाइक वो मेरी मोमेजर है वो मेरी माँ है वो मेरी सब कुछ है मतलब इन दैट एस्पेक्ट तो दैट लाइक यू सेट माई फर्स्ट बिलीवर माई फर्स्ट वॉल तो वैसा और डैड के साथ तो फिर उनको समझने में भी टाइम लगता है मेरी लीगो वाली भी बात है कि ये, ये क्या है ये नाच गाने वाली बात क्या है पर इट्स इट्स देर वो है वो केस तो हमेशा रहेगा कि

पापा शायद है भी नहीं मतलब <laughs> मैं उस नहीं मैं गलत तरीके से नहीं बोल रहा बट कोर्स है डैड की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है बट hmm. दादू की वो जो थी ना होल्ड लाइक आई लॉस्ट हिम अराउंड टू इयर्स बैक एंड इट वाज अ वेरी लाइक एक टोल ले लिया था पूरे फैमिली पे भी so पर नो नो प्रॉब्लम पर वही बात है कि दैट वी हैव सीन कि वो जनरेशनली कैसे रिस्पेक्ट आती है और hmm. वो कैसे कमाई जाती है आई फील लाइक वो एक बहुत कोर वैल्यू है लाइक like बहुत इनिशियली मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि लाइक मनी रिस्पेक्ट इज ऑल्सो अर्नड लाइक वो कैसे ना कैसे कमानी पड़ती है एंड योर एक्शन आर द ओनली थिंग जो वो कमा के ला सकते हैं वो एंटाइटलमेंट नहीं है तुम किसी को रिस्पेक्ट uh, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उम्र बड़ी है लाइक hmm. like, तुम्हारे काम क्या है तुम क्या प्रीच करते हो तुम क्या वैल्यूज हो तुम्हारा कल्चर क्या है विल वेरी स्ट्रांगली डिटरमाइन ऑन हाउ मच यू आर रिस्पेक्टेड एंड वो ये ना रिस्पेक्ट इज इट कैन नॉट बी लाइक तुम मांग नहीं सकते किसी hmm. की कि मेरी इज्जत करो वो वो वो, वो कमानी पड़ती है एंड वो बहुत जल्दी अर्ली ऑन सबको ही पता था लाइफ में कि वो इज्जत कमानी पड़ती है और वो कमा के आना hmm. वैसे वाली बात वो वो है वो डैड दा, के साथ भी वैसे वाला ही रिलेशन है कि लाइक अब जाके इट्स लाइक

एक होता है ना कि यार हाँ। जिगरा चाहिए थोड़ा सा अपना ऑफ हाँ। जाने के लिए हुँ, हुँ। जैसे दादू की रिस्पेक्ट मैक्सिमम है फिर पा, पापा की है फिर मेरी है उस मामले में तो एक बात समझ गया था कि यार ये फैमिली में ना सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया अपने जिंदगी में जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उनके वजह से आज मैं एक थोड़ी जगह पे हूँ जहाँ मैं उनके कॉम्प्रोमाइजेस का थोड़ा सा फायदा उठा सकता हूँ कि उनको बहुत सारे सिचुएशन से गुजरना पड़ा ताकि आज मैं एक मिडिल क्लास जिंदगी जी सकता हूँ पर अगर मैंने इसका पूरा फायदा नहीं उठाया ना तो आई विल डू डिस सर्विस टू वॉट दे हैव डन आई हैव टू गो बलिस्टिक मैं पागल हो जाऊंगा मेरे को लीप ऑफ विथ लेनी ही लेनी है तुम तो मुझसे झगड़ लो तुम तो मुझसे लड़ लो वो वो बहुत जल्दी दिमाग में था कि मैं ये आया हूँ तो मैं करके जाऊंगा वैसे वाली बात फेल हुआ ना मैक्स टू मैक्स क्या होगा हार जाऊंगा कुछ और कर लूंगा बट ये तो मैं चांस लिए बिना नहीं निकल सकता यहाँ से वो वैसे वाली बात और टेंथ सिचुएशन भी मेरे को लगता है ना कि मैं अपन जितनी भी ये रिलेशन की बात कर लेना बाप और बेटे की बस मेरे को सच में लगता है कि माँ बाप ना तुमको हारता हुआ नहीं देख सकते दे नॉट सी यू अनसक्सेसफुल दे के नॉट सी यू प्रॉपरली स्ट्रगलिंग दे दे के नॉट सी यू वीक और एट अ सर्टन एज के तुम हारे हुए हो तुम यूर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट सो दे विल ऑब्वियसली उनकी जितनी लाइफ एक्सपीरियंस है उनके लाइफ में जितना उन्होंने देखा है वो उस हिसाब से तुमको उसी आस पास की राह पर देखना चाहेंगे लाइक एंड वो समझ जिस दिन वो दिमाग में समझ में आ गया ना कि ये इनकी गलती न, ये क्यों करना है मैं हमेशा को सोचता कि यार ये मुझे क्यों रोक रहे हैं टिल द डे यू रियलाइज दैट यार कहीं ना कहीं सबके सपने कॉम्प्रोमाइज हुए हैं अपने आसपास कहीं ना कहीं हर मर्द है इस फैमिली में जिसने कुछ करना चाहा है अपनी जिंदगी में पर किसी के रिस्पेक्ट के अंडर आते हुए या कोई सिचुएशन के अंडर वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या yeah, हाँ, कुछ भी, भी हो एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस वजह से उन्होंने वो सपने दबा लिए अपने अंदर और वो ना वो आ, वो आंखों की चमक जब गायब हो जाती है ना किसी से भी hmm. वो इट्स अ सैड साइट टू वॉच एंड मेरे दिमाग में यही था कि यार वो जिस दिन आँखों की चमक निकल गई ना सब खत्म हो जाएगा hmm. तो वो जिंदा रखनी मैं इसलिए लाइक like, मैं वही बोलता हूँ ना कि मेरे को बस अपना बचपना प्रिजर्व करके रखना है this music this art is art shit is so stupid it's so idiotic it's so amazing it's so beautiful it's so pure just like our childhood was like you know कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ये क्या इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें कैसे हो सकती हैं किसी के साथ उतना प्रिजर्व कर लिया ना तो फिर बहुत आगे चले जाओगे आर्ट में द मोमेंट इट बिकम्स अबाउट यार मैं ऐसे कैसे करके कर सकता हूँ इंडस्ट्री में या मैं इस तरीके से ये करके वो कर लूंगा वो जब कॉमर्स आ जा जाता है ना इट लूज इट्स मैजिक लाइक आज लाइक इन दिस मॉडर्न डे यू गो वॉच अ फिल्म ओके एंड यू आर लाइक यार इसकी एडिटिंग खराब है यार hmm. ये वीएफएक्स अच्छे से नहीं हुए सो है hmm.

तुम intrigued रहते हो हो ना ना जिस तरीके से I think उससे चीज कुछ नहीं नहीं सकती तो तो वो वो कर लिया ना, that's that. तो मैं उतना ही प्रिजर्व करना चाहता दीवारों के अंदर किसी को नहीं आने देना नहीं। जहां, जहां तुम्हारा जो एक देखने का नजरिया है है जो है, वो अफ, अफेक्ट हो जाए कोई भी नहीं। नहीं तरीके से वैसे वाली बात नहीं होता कि अपनी कब चली गई suddenly you know you're taking decisions और तुम तो ऐसे तरीके से सोच रहे हो कि तुम्हें realize होता है कि fuck यार जब मैं बच्चा होता था तब मैं इस चीज को कितने different ही analyze करता सोचता right? क्या right? करता but अब मेरे को बैठ के इस चीज के ऊपर anxiety हो रही है मैं ऐसे सोच रहा हूँ and एक जो concept है ना of a happy place वो I think बहुत help कर जाता है like like it it's not even a physical place to actually be at it's like mentally एक अगर तुम इतने अच्छे से एक जगह का कपार्टमेंटलाइज कर पाओ ना खुद के लिए जहाँ मैं इस वक्त मैं बस म्यूजिक सुनना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू गो बैक टू वाई आई फेल इन लव विद दिस अगेन तो आई फील लाइक नाइव और इनसेंस में बहुत फर्क हो जाता है राइट लाइक यू सैड वो हम नाइव होकर तो नहीं देख सकते स्पेशली इन दिस करेंट डे एन एज मैं ये नहीं बोलना चाहता कि तुम बस म्यूजिक करते रहो और जिंदगी चेंज हो जाएगी वो तो ज़रा भी नहीं है देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इन टू प्ले बट जब तुम स्टूडियो में हो और माइक के सामने हो और अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार ये गाना फटेगा या नहीं फटेगा ना वहाँ तुम्हारी इनसेंस खत्म हो गई अगर तुम माइक पे घुस रहे हो ये बोलते हुए कि यार आज मैं दिल खोल के बात करूँगा दैट्स इट वो इनसेंस प्रिजर्व हो गई ना उसके बाद तो भाई शतरंज खेलना है तुम्हें चेकरस खेलना है जो खेलना है खेलो इट्स इट्स अ नास्टी क्रूअल वर्ल्ड एंड यू हैव टू

ये स्टेटमेंट कितने व्यूज ला के देगा या hmm. ये कंट्रोवर्सी कितनी फट जाएगी hmm. ना यू विल नॉट डू मोर देन सुने बिना बस ये सोच रही हूं कि ये फटेगा बट यू जस्ट लेट है कि कौन बैठा hmm. है क्या टीम hmm. hmm. yeah, गेट <laughs> <Hello, sir. laughs> <laughs> <laughs> uh, con hmm. पैसे मिल रहे हैं भाई बात करने के लाइक यू नो कितनी सही चीज है कितने लोगों को Hmm. ये ऑप्शन मिलता है कि तुम्हें बस बैठ के बकचोदी करनी है रियल एंड यूर गुड रियल दैट्स इट सो दैट्स वन वॉट आई मीन बाय बकचोदी करनी इज प्रिजर्विंग दैट इनसेंट साइड ऑफ यू यू आर प्रॉब्ली मेंटली 17, आई एम मेंटली 15, एंड दैट्स वाई वी आर हियर लाइक दैट्स वाई दिस शिट इज वॉट इट इज सो वही वाली बात आई थिंक एडिंग टू योर पॉइंट आई एग्री कि hmm. जब सक्सेस ना रिवर्स इंजीनियर करने लग जाते हो hmm. तो वो इंटेंशन थोड़ा करप्ट हो, हो जाता, जाता है 100% नहीं, बैठता है। नहीं 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 दैट hmm. मींस uh, तुम्हें अपने ही काम पे इतना फेथ नहीं था कि तुम अपने पुराने काम को रेफरेंस वर्क जैसे देखने लग जाते हो hmm. यार ये चला कैसे और ये चला तो मैं दस बना दूं क्या hmm. और दस बना दूं एंड देन यू रियलाइज बन भी गए बट यार वाई आर पीपल नॉट फ़किंग विद इट द सेम वे दैट दैट विद फर्स्ट वन क्योंकि वो अटमोस्ट ऑनेस्टी hmm. से निकला था hmm. वो बहुत सारी चीजें सही जानी चाहिए तुम्हारी जिंदगी में फॉर दैट वन थिंग टू वर्क आउट एंड दैट कैनोट बी रिक्रिएटेड ट कैनॉट भी लाइक वो वापस, तो moment वापस ला ही नहीं सकते तुम कितनी भी कोशिश कर लो hmm. तुम स्किल पर काम कर सकते हो कि मैंने क्या वर्क एथिक वाइज सही किया मैंने माइंड सेट क्या रखा उस मामले में बट यू कैनॉट लाइक वो कैन एन इवेंट वाली बात है दिस इज हैपन बिकॉज टू मेनी थिंग्स दिस मोमेंट तो दो हजार really uh, बीस में गाना निकाला था मैंने ड्रॉप्टऊट और बुर्रा ने जिसका नाम था तो हौसला वो मेरे लिए ब्रेकआउट मोमेंट था बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे वो गाना निकला बाहर तो लोगों तक पहुंचा और मेरे को याद है कि आई थिंक तन्मय भट्ट तभी ये करता थे करते थे लाइक लाइव स्ट्रीम करते थे एंड किसी ने उनके मेंबर्स ओनली पे एक hmm. आने का लिंक डाल दिया एंड ही जस्ट एंडेड अप लिसनिंग टू इट एंड मैं आता हूं वो टाइम ऑफ द यूट्यूब जनरेशन जहां ए आई बी टी वी एफ ये पॉप कल्चर लाइक रन कर रहे थे लाइक देर स्केचेज देर कॉन्टेंट वॉज एवरीथिंग दैट वी वर कंज्यूमिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड मेरे लिए संभड़ी लाइक अ तन्मय भट्ट वॉज लाइक अ हीरो फिगर लाइक मैंने भाई मैंने तुझे पंद्रह साल तेरह साल की उम्र से देखा है यू बिनिंग इट लाइक ओ जी लाइक इन द मोस्ट लिटरल Sense. And उसने बस ऐसे ही वो गाना uh, अपने लाइफ स्ट्रीम के इंटर में यूज कर लिया था फॉर लाइक अ वी और भाई आई वॉज द हैप्पीस्ट पर्सन इन दर्ल्ड लाइक यू वुड सी मी स्माइलिंग एवरी डे क्योंकि उस दिन मुझे सच में लग रहा था कि यह उम्मीद आ गई किन रियली कीप डूइंग दिसक ऐसी चीजें भी ये जो, वो जो मैजिक वाली बात है ना hmm. कि यार मैंने रूम में बैठ के एक गाना बनाया एक दोस्त के साथ और एक बंदा जो दिल्ली में बैठा है हम कभी मिले नहीं हैं हमने उसका म्यूज़िक वीडियो शूट कर लिया दो अलग शहरों में और हमने डाल दिया हमारे जितने छोटे बजट में मैंने वीडियो भी मेरे स्कूल के बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाई है जो बहुत लाइक like, बहुत सही डीओपी डायरेक्टर है एंड हमने बस निकाल दी अपने सही तरीके से और वो पहुंच गई ऐसा होता है क्या लाइक <laughs> like, तुम एक जगह पे अच्छा काम करो कर वो पहुंच जाती है क्या mm. वो जिस दिन दिलासा मिल गया आई फील लाइक वो दैट वॉज माई पर्सनल ब्रेक डाउन सॉरी ब्रेकआउट मोमेंट एंड देन धुंदला वॉज ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ ओनली मतलब शो के रेट बढ़ गए <laughs> मज़े आ गए लोग जान रहे हैं लाइक लोग अलग अलग देशों से वीडियोस भेज रहे हैं कहीं लंदन के क्लब में बज रहा है कहीं यू you नो know, अल अलग शहरों में बज रहा है कोई गाड़ी में चला के जा रहा है इट्स इट वाज अनरियल इट वाज अनरियल कि यार क्या बात कर रहा है भाई ऐसे और बिना लेवल के और बिना लाइक like, कोई भी बैकिंग के जस्ट एक गाना डाले एंड आई थिंक वो बहुत सही टाइम पर आया आई लाइक like, सही टाइम पे एज इन In our career standpoint, I think Talvinder was also on the come up in mm -hmm. a very strong way. Mm -hmm. We were also on the come up in a way where we were around the same number. of Talwinder, to phad Shout out to the man, <laughs> insane. But. और ड्रॉप आउट हम लोग सब mm. अभी भी म्यूजिक बना रहे थे कंसिस्टेंटली एंड द सॉन्ग केम आउट एट सच अ राइट टाइम इन ऑल ऑफ आर करियर्स दैट वो जब पिकअ हुआ ना तो आई थिंक इट बेनिफिटेड एवरीबडी दैट वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट लाइक राइट फ्रॉम द पीपल हु मेड द वीडियो टू द पीपल दैट वैट मेक्स द रेक एवरीथिंग एवरीथिंग तो वो ऐसा एक मोमेंट हो गया लाइफ में विच वॉज लाइक अरे वाह सही है एक एक ऐसा एक एक महा तो हिट आ गया एक वो वैसे वाली बात है मेरे को लगता है कि बहुत सेल्फिशली नार्सिसिस्टिकली बोल रहा हूँ बट आई होप लाइक जैसे अपने पेरेंट्स हमको एक जनरेशन के गाने इंट्रोड्यूस करते थे ना uh. कि यार ये हम सुनते थे mm. ये जब गाड़ी में बैठ के सुनते थे या ये ये जब mm. हम दारू पीने बैठते थे थे तब mm. ये सुनते आई होप वो ये जनरेशन अपने बच्चों के साथ करे विदेट आई फील लाइक इट्स वन ऑफ कि यार ते पता है तूने ये नहीं सुना एंड mm. वो एक मोमेंट होना चाहिए आई डोंट नो छोटे अपने दिमाग में सपने बनाओ खुद को चूतिया बनाते रहो इट्स द बेस्ट वे टू कीप की अलाइव

कहीं बाहर ही नहीं गई हमारी एंड आई फील लाइक वो गाना लिटरली उस एनर्जी के लिए वो उस फीलिंग के लिए कि हमको बकचोदी करनी थी और हमने कर दी और बकचोदी भी ये लेवल तक पहुंच सकती है वो बहुत ब्यूटिफुल चीज है अपने अपने आप में दोनों आपने बोला बहुत hmm. प्यार भी देते तुम्हारे पूरी लाइफ के काम को एंड तुम बैठते रहोगे like, भाई मैं सच में गंदा आर्टिस्ट हूं रेडिट एंड ट्विटर टू वैलिडेट योर नेक्स्ट वीक या फिर तुम्हें पूरी जिंदगी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल सकते हैं कि भाई तूने आज तक जो किया है ना वो घटिया है बट आई फील लाइक इट्स लाइक जब चालू कर रहे थे आर्ट तब हमेशा ऐसा था कि यार आई विश आई एम लाइकेबल बाय एवरीबडी वो एक कहीं ना कहीं एक एक उम्मीद रहती है अंदर ना कि यार मैंने अच्छे गाने बनाए ना तो सब मुझे पसंद करेंगे दैट्स द एंड ऑफ बींग नाइफ दैट्स वेन यू रियलाइज दैट गुड आर्ट और ग्रेट आर्ट इज़ ऑलवेज पोलराइजिंग इट विल ऑलवेज डिवाइड ऑडियंसिस इट विल ऑलवेज डिवाइड पीपल्स ओपिनियन सम पीपल दैट फाइंड यू द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट पर्सन यू विल द वर्स्ट आर्ट इज दैट देव हर्ड सम पीपल आर इन लव विथ योर वर्ड सम पीपुल कान टॉलरेट योर वॉइस एंड दैट्स वर्ट गिवस लाइक वो उसका प्योर आइडेंटिटी है कि एक पेंटिंग को देख के, तुम दस अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो एंड वो जितना जल्दी एक्सेप्ट मुझे भी करने में लगा जितनी चमड़ी मोटी करने में लगा आई थिंक अब जाके फाइनली में बहुत अब आई फील लाइक लास्ट वन एंड हाफ ईव बीन मच मोर मेंटली सिक्योर प्लेस वेर एम लाइक आई एम ग्लैड इफ देर आर ओपिनियन दैट इट गुड बैड

तलविंदर का नैरेटिव जो उस गाने में बहुत अलग है मेरा नैरेटिव बहुत अलग है एंड इट मीट्स एट द मिडल सो मेरे को प्राउड कब फील होता है कि गाना मेरा है लाइक यू नो कोई भी बात होने दे किसने किसी को भी आउटशाइन होने दे एट द एंड ऑफ द डे इट्स द म्यूजिक दैट स्प्रेडिंग वो तलविंदर उस ट्रैक पर आया वो कॉल वो प्रोडक्शन हम साथ में बैठना I have a very big part to play in that. Of course. So I take massive amounts as much as I take respect in yar. ये rap verse कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था. I take massive like credit in the composition aspect of it. Hmm. कि ये curation भी मेरा है. Hmm. तो अगर तलविंदर ने outshine किया, ये मेरे लिए उससे बड़ा compliment कुछ नहीं हो सकता. And he's like I feel like uh, मैं उस तरीके से भी बिलीव करता हूं कि मैं भी नहीं मिस करता फीचर्स पे तलविंदर भी नहीं मिस करता फीचर्स पे हम है दोनों हम वैसे ही करेंगे एंड जो लोग को लग रहा है वो वर्स उस नैरेटिव के लिए परफेक्ट था पर जिन्होंने मेरा वर्स सुना, सुना है ना है। वो जानते हैं कि मैंने क्या बोला है उसमें

एंड हर जनरेशन के साथ हम इवॉल्व हो रहे हैं राइट चेंज हो रही है, नीड्स चेंज हो रही हैं इशूज चेंज हो रहे हैं डू यू थिंक दैट देर इज़ एनी आर्टिस्ट इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री इंडियन हिप हॉप रैप इंडस्ट्री जो करेक्टली यू नो यूथ का माइंड सेट टैप कर पा रहा है इस मोमेंट पर ऑफकोर्स आई फील लाइक मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एक आर्टिस्ट कभी वो नहीं कर पाएगा आई फील लाइक एक आर्टिस्ट हमेशा अपने की ऑनेस्टी सबसे सही से पोर्ट्रे कर पाएगा पूरे यूथ का जो इंटेंशन है ना वो आई थिंक वो वो काम ही मल्टीपल आर्टिस्ट का है। वो काम ही है ताकि एक जो वियर्ड बच्चा जो लास्ट बेंच पे विंडो के बाहर देख रहा है ना और एक जो फ्रंट बेंचर होगा और एक जो बीच में बैठता होगा ना तीनों का बहुत अलग माइंडसेट होगा इस दुनिया में लाइक और उन तीनों के लिए एक आर्टिस्ट कभी भी वो केटर नहीं कर सकता आई फील लाइक एग्जाम्पल्स तो बतेरे से हैं आई फील लाइक दबली मोदी थ्रू देअर कैटेलॉग बयान वॉज आई थिंक वो पूरा एक अपराइजिंग का एल्बम दैट एंगर एंड एंग का वो पूरा ये जस्टिफिकेशन है आई फील मैं चलो अलग एग्जाम्पल देता हूँ फॉर ऑल द वियड क्रिएटिव किड्स देर आर पीपल लाइक चार दिवारी देर आर पीपल लाइक मी दैट आर डूइंग दीज

सुनेगा, चार yeah. दिवारी सुनेगा और बोलेगा भाई यार ये लोग कितनी कुलशिट cool कर रहे हैं लाइक yeah. like वैसे वाली बात अगेन देर इज लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स वर्ल्ड परसपेक्टिव टू अट ऑफ दूथ अर्ली ऑन लाइक की ये रियालिटी है लाइक like उसके पहले लोग सच बोलने से कतरा रहे थे लाइक बिफोर डिवाइन केम इनटू द गेम एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रंट लाइक ये मेरा फ्रंट हंड्रेड परसेंट लाइक देर प्रॉब्लम लाइक कि मेरी गूची की बैग में मतलब दस हजार कम है बट वो वो प्रॉब्लम थी एंड वो रियालिटी दिखाना रैपर्स लाइक डिवाइन नेजी दे रियली ब्रॉट ऑन टू दैट एंटायर गेम ऑफ हम अपना सच बताएंगे, अपना सच बताएं। वो मैटर नहीं करता तुम्हारा सच क्या है और तुमसे कितना रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मेरी ग्राउंड रियलिटी है और कहीं ना कहीं कोई बच्चा होगा जो इससे लाइक रिलेट करेगा और समझेगा कि यार ये मैं हूँ या इसकी कहानी में मैं दिखता हूँ यू नो उस मामले में एंड आई थिंक वो वो जब से वो द फ्लड गेट्स ओपनड ऑन जस्ट एक्सप्रेसिंग योर लाइफ खत्म वहीं पे सबने एवरी वन टैप्ड विद इन एंड दे वर लाइक हम अपनी कहानी बोलना चाहेंगे लाइक एवरीबडी डे एट लाइक डिफरेंट टाइम लाइन्स अब बहुत अलग अलग है जहाँ कहीं दो का पहाड़ा बन रही थी mm -hmm. तो कहीं जंगली शेर बन रहा था mm -hmm. और यू you नो know, सेज के घर पे कुछ गाने बन रहे mm -hmm. हैं वहाँ पे प्रदीप कोई अलग एल्बम mm -hmm. बना रहा है ओंकोर ने लीब्रा स्केलने का बहुत लाइक टाइम लाइन्स बहुत अलग अलग है बट mm -hmm. वो जब साथ में खुला ना फ्लडगेट्स इट वॉज अमेजिंग इट वॉज़ अमेजिंग टू विटनेस दैट एज अ फैन एंड एज समबडी हु पार्ट ऑफ द

सब कोई लाल कारपेट बिछाएगा ऐसे गोल्डन गेट होगा सामने hmm. और कोई बोलेगा ये वेलकम वेलकम टू द म्यूजिक इंडस्ट्री और hmm. मैं जाऊंगा और ऐसे वैसे वाली फीलिंग आई बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री टिल यू रियलाइज दैट तुम तुम चल रहे हो सीधा सीधा तुम देखते हो वो गेट खुल भी गया है और वह सामने दीवार है hmm. कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती मतलब इन अ वे वेर यहाँ पे कुछ नहीं है डेड एंड है आगे तुम जितना इंडस्ट्री को चेस करोगे वो उतना ही वो वो मिराज है वो वो hmm. नहीं एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री क्या है तुम्हारे आसपास के दस दोस्त तुम्हारे बीस लोग जो तुम्हारे म्यूजिक में बिलीव करते हैं एंड देन यू हैव द एबिलिटी टू बिकम द इंडस्ट्री रिथविज ने एक स्टोरी डाली थी इज लाइक like, uh, उसको किसी ने पूछा था हाउ डू यू गेट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री बोलता है यू मेक द म्यूजिक देन द इंडस्ट्री कॉल्स यू इट्स वेरी सिंपल द इंडस्ट्री कॉल्स यू एज इन कहीं ना कहीं तुम्हारा गाना कोई सुन लेगा एंड नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू टू बिकम द इंडस्ट्री दे विल गेट यू एन दे रोप यू एन दे आइदर थ्रू लाइक कॉन्ट्रैक्स डील्स मैनेजमेंट एनीथिंग एनीथिंग लाइक आई वी इन नेगेटिव वे बट इन अ वे वेर यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट और तुमको लगेगा अरे यही था क्या एंड देन तुम यूटर्न मारते हो और वापस वहीं जाते हो जहाँ से तुमने शुरुआत की थी विद द सेम पीपल विद द सेम आइडियोलॉजी एंड विद द सेम इंटेंट कि यार कोई इंडस्ट्री नहीं है मेरे को अभी भी कुछ और चेस करना है यू hmm. नो you know? वरना वो डेड एंड एक बार सामने आ जाता ना यू रियलाइज डैम इट्स अब क्या अब क्या What? इसके बाद क्या hmm. कॉम्प्लेसेन्सी की कैन हो जाती है या तुमको लगता है यार मेरे लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे hmm. इतना ओवरसैचुरेटेड है सब कुछ एवरीडे लाइक like, हम हमने एक कैंप किया था रिसेंटली जितने भी रिप्रेजेंट से साइंड आर्टिस्ट थे हम गोवा गए थे कैंप के लिए एंड वीवर बंच ऑफ लाइक टेन ट्वेल्व आर्टिस्ट जिन्होंने साथ में yeah. तीन दिन वीवर जैमिंग ऑन म्यूजिक एंड स्टफ लाइक दरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड मैं बैठ के उस दिन के पहले मैं सोचा था यार मेरे प्रॉब्लम्स कितने यूनिक है ये सिर्फ मेरे साथ होते हैं नो you know? ये ये सारी एक सर्टन वर्ड्स में यूज करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करने के लिए टिल मैं एक रूम में एंटर करता था वही बातें चल रही हैं दूसरे रूम में एंटर करता था अरे हाँ यार प्लेसमेंट्स नहीं है यार जगह नहीं मिल रही यार ये ये कितना गलत है कि ये पुश नहीं मिल रहा ये नहीं दे रहे एंड आई वाज लाइक डैम हम सबके लौड़े लगे हुए हैं यू नो वी आर ऑल फक सो व्हाट आई वुड रादर बी फक विद द पीपल दैट आई हैव ग्रोन अप विद रादर देन मोर पीपल दैट आर जस्ट स्केर्ड एंड इनसिक्योर यू नो इंक्लूडिंग मी इन दैट डायनामिक तो आई थिंक वो वो बहुत एक रियलाइजेशन जिस दिन हिट हुआ यू जस्ट गो बैक होम एंड यू फील लाइक यार यही है mm. ये जो पहले दिन में माइक पे चढ़ा था ना mm. ये उससे ऑनेस्ट कुछ नहीं है इससे आगे कुछ नहीं है इसके बाद कुछ mm. एग्जिस्ट नहीं करता तो आई फील लाइक इट्स बिन अ वेरी बिटर स्वीट एक्सपीरियंस विद दिस इंडस्ट्री वेर यू गेट टू मीट योर आइडल्स वेर यू गेट टू मीट द पीपल एंड हैव द बेस्ट कॉन्वर्जेशन इन द वर्ल्ड मतलब आर्टिस्ट को बात करने का टाइम दिया ना वह जो बंद ही नहीं करेंगे लाइक mm. like, रुकने वाली वो एस्पेक्ट मोस्ट लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्जेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिल्डिंग समथिंग मैजिकल बट देन अगली साइड ऑन लाइक कहीं तुम्हें ऑपरचुनिटीज छीन जाती है दैट एंड पार्सल ऑफ द गेम एंड वो यू नार्केटिंग इज नॉट कम्पलेनिंग अबाउट वेर यू आर बॉर्न इट्स अबाउट मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ यूर वर्क प्लेस तुम हमेशा यहां बैठ के सोच सकते हो कि यार मैं अमेरिका में होता ना

एक्चुअली uh, मेरे बर्थडे के 28 मार्च को मेरा बर्थडे था दिस इज अराउंड 2022 और 20 हाँ 2022 एंड mm. रफ्तार भाई ने गाने सुने थे मेरे एंड ही वॉज लाइक घर आ जा mm. मैं घर गया उनके अगले दिन तो मैं चॉकलेट लेके गया था कि मेरे मेरा बर्थडे था यार मैं खाली हाथ नहीं जाते <laughs> किसी के मैं School स्वीट लेके तो हाँ।, हाँ मैं लेके गया था चॉकलेट तो, mm. तो दरवाजा खोला उन्होंने एंड इज लाइक खड़े रहे बाहर तो मैं ऐसे पहले इज लाइक ओके ठीक है पहले ये का शॉट दिया मेरे को <laughs> अब मैंने बोला सही है ये वाला, ये वाला अब स्वागत है आपका फिर बहुत बकचोदी mm. की पीएस खेला हमने गाने वाने सुने डेमो सुना एक दूसरे को मस्ती mm. की बहुत पर. एक बोलूंगा, mm. mm. say, मैं और दिवारी एक दिन आ, हम लोग कहीं तो जा रहे थे वो मेरे घर पर आया था दिस इज लाइक तेरी मैय के गाने के टाइम पे जब उसकी ई आई थी एडजस्ट कम होम एंड uh, हम ऐसे आया था कॉरिडोर hmm. में और बोलता है वो मैंने बोला hmm. क्या हुआ बोलता है आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखा है मैंने मैंने बोला <laughs> तो हम लोग बैठे और हम कहीं जा रहे थे वहाँ से और हम ऐसे कॉन्वर्जेशन में वी रियलाइज दैट वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्स वॉज की एज एन आर्टिस्ट तुम्हारा इस साल का या अगले महीने का इंटेंशन क्या है hmm. और हमने तीन चीजें निकाली उसमें hmm. कि तुम्हें फटना है तुम्हें पैसे कमाने कि तुम्हें ग्रेट म्यूजिक बनाना

टाइम टू टाइम रीशफल करके तुम अपनी लाइफ बहुत शॉर्ट कर सकते हो एंड आई थिंक जब से वो कपार्टमेंटलाइज हो गया वही अपने अपने तरीके में शॉर्ट हो गया ना आई थिंक वो इंटेंशन बहुत क्लियर हो गया कि यार अब थोड़े साल तो बस वो ग्रेट म्यूजिक वाला mm. पकड़ के चलेंगे mm. जिस दिन लगा कि यार अब अब अब, अब पेशेंस खत्म हो गया अब फटना है भाई mm. अब फटना है तो उस तरीके से विल मूव एंड इतनी इनसिक्योरिटीज निकल जाती है ना उस, तरी, उस तरीके से वरना ऐसे पॉइंट पे आता है वेरी लाइक यार मैं इतना ग्रेट म्यूजिक बना रहा हूँ ये फट क्यों नहीं रहा है hmm. क्योंकि ये बहुत दो अलग चीज़ है hmm. वो तरीके ही अलग है hmm. वो बातें ही अलग है वो करने का वो करने पॉसिबल है hmm. बहुत डिफिकल्ट है तीनों चीजें करना hmm. पर पॉसिबल है hmm. पर दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर रहना चाहिए इफ यू आर डूइंग आइदर थ्री ऑफ द तो वो आई थिंक वॉज अ वेरी गुड एंड हेल्दी कॉन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड हिम सो दैट वॉज इंटरेस्टिंग दिल्ली और मुंबई रेप सीन में डिफरेंस क्लिक बेट वाला क्वेश्चन लेस गो नहीं ठीक है Not like नहीं। नहीं। <laughs> पता है, मुझे वहां के बट मुझे जितना भी पता है फॉर एग्जांपल अगर कभी um, MC रही। रही। तो उन्होंने क्या बताया कि यार यहां पे ऐसे होता, होता है, है। उनका रीजनल वो एक अलग फीलिंग के साथ वो है पैराडॉक्स ने कुछ और बोला है बादशाह ने कुछ और बोला है हनी सिंह ने कुछ और बोला है बट आल्सो पार्ट ऑफ लाइक यू नो दिस आपके हिसाब से वो बेस्ट डिफरेंस है क्या है पेस पेस डिफरेंस मैं की भी <laughs> है, <laughs> जितने जल्दी थक जाते हो ना <laughs> जिस दिन तुम्हारे दिन ऐसे निकल जाते हैं हफ्ता <laughs> कहाँ निकल गया तुम्हें समझ नहीं आता <laughs> <laughs> वो दिल्ली में बहुत कम है वहां दिल्ली में सच में टट्टे खुजलाने की फुर्सत है दिल से बोल रहा हूँ मैं पर वहाँ पे भूख भी उतनी है लाइक like, वो इमेज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मेरे को लगता है मेजर डिफरेंस सिर्फ जोग्रेफिकल प्लेसमेंट uh, का भी जितना है मेरे को लगता है वो माइंड का भी डिफरेंस है और रिसोर्स का भी डिफरेंस है मेरे को लगता है दिल्ली में जो साउंड्स और सोनिक्स आ रहे हैं मतलब मेरे लिए कभी दिल्ली बॉम्बे वॉज एज मच लाइक मैं बहुत टेरिटोरियल हूँ मेरे शहर के बारे में मेरे अपब्रिंगिंग के बारे में मेरे सीन के बारे में कि मैं मैं ये तो नहीं सुन के लूँगा मैं हल्के में तो नहीं लेने दूँगा किसी को उस मामले में मैं हूँ पर मेरे लिए उसके अलावा बाकी सब बहुत रेलिवेंट है सिर्फ एक मामले में क्योंकि यार म्यूज़िक ये ईस्ट वेस्ट कोस्ट वाला सीन ही नहीं है लाइक दिस इज़ नॉट दैट दिस इज़ रियली नॉट दैट वी आर नॉट देर हम वो वाली जिंदगी नहीं जीते हैं। हम एक साथ रूम्स में बैठते हैं हम शोज़ बजाते हैं एक लाइनअप पर हम म्यूज़िक कोलाबोरेट करते हैं लाइक like, मेरे कितने कोलेब्रेशन है दिल्ली और पंजाब के आर्टिस्ट के साथ मैं हिंदी मैं बॉम्बे में रह के पंजाबी लड़का मैं वहाँ भी एसोसिएट करता हूँ यहाँ भी एसोसिएट करता हूँ मेरा बस ये है कि जब जब हल्के में लेने लग जाते हैं ना hmm. कि यार यहाँ पे नहीं है वहाँ पे डेफिनेटली डाइवर्सिटी इन सोनिक्स बहुत है इतने सारे आर्टिस्ट हैं दैट आर सो डीप रूटेड एंड दे आर डूइंग इट फॉर द राइट इंटेंशनस कि इट्स एक्साइटिंग फॉर म्यूजिक यहाँ पे भी बहुत सारे हैं बट यहाँ पे इतना नॉइज़ है ना कि वो बाहर आने में बहुत टाइम लग जा कैंसिल आउट कर लाइक क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ बॉम्बे में एक हिप हॉप गिग चल रहा है यहाँ पे 20 क्लब्स में बॉलीवुड नाइट चल रहा है कहीं uh, ये चल रहा है ई नाइट कहीं टेक्नो बज रहा है कहीं क्या बज रहा है देर इज लिमिटेड वेन्यूज फॉर हिप हॉप बट देर इज मल्टीपल वेन्यूज फॉर एंटरटेनमेंट यहाँ पे मैं मैं वो बोलता ना कि बॉम्बे में तुम एक दिन उठते हो और तुम सोचते हो आज मैं पैसे कमाऊंगा तुम सोचते हो फिर तुम देखते हो एंटीला खड़ा है ठीक है तो तुम सोचते हो कितने पैसे ही कमा लूंगा शाहरुख ना इधर इज दिलिवेंसी दैट इज इन तो तुम डरे हुए रहते हो वहां पे मेरे को दिल्ली में नहीं लगता कोई डरता है यहाँ पे लोग जो अपन कमिंग है ना वो हमेशा ये दस बार सोचते हैं कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या करें ले लें क्या रिस्क या कर लेता हूँ कुछ और लाइक like वैसे वाली बात बट यहाँ पे जो अड़े हुए हैं ना वो अड़े हुए रहे हैं लाइक like यहाँ का सीन इज इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइक जो सीन सीन वाली बात है ना वो बॉम्बे में जेन्यनली पहले आया था लाइक पहले एज इन आई एम नॉट पुटिंग इट डेट वाइज बट जस्ट कम्युनिटी वाइज जब बी थ्री में जाते थे हम शोज देखने के लिए जब ओपन माइक स्पॉट्स आते थे वी यूज टू साइफर इन गार्डन हम लोग पार्कस में जाते थे सारे ओजीज शो अप करते थे बी बॉय आर्टिस्ट सारे रहे ग्रफिटी आर्टिस्ट आ रहे हैं हमने वो सारे वेन्यूज हमने गिग्स देखे हैं होते हुए हमारे आंखों के सामने कल्चर शेप होते हुए देखा है हम हमने जब जब लाइक जब आते थे यार जब वैन वैन सीधे मोथ एन ऑल दिस बॉयज़ ऑल्सो यूज टू कम डाउन टू बॉम्बे तब एंटी सोशल पूरा पैक्ड रहता था वी यूज टू गो बैक सपोर्ट एवरीबडी बी देयर फॉर एवरीबडी मतलब उस टाइम से हम लोग रहे हैं मेरे तो पहले बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं इस सीन में जिन्होंने और भी ज़्यादा देखा है एंड हमारे यहाँ कम्युनिटी पहले बहुत तगड़ी थी फिर वॉट एवर अब सीन थोड़ा अलग अलग एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाला हो गया है यहाँ पर इसलिए वो ना यूनिटी दिखती नहीं है mm. वो बाहर से ऑन ना स्केल वेयर वो टाइपकास्ट हो गई है mm. पर अगर आज मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं आज अल्ताफ को मिलाऊँ mm. मैं जानता हूँ वो गली गैंग से है मैं जानता हूँ मैं एक अलग जगह से आता हूँ हमारा राइटिंग अलग है हमारा जो आइडियोलॉजीज अलग है पर वी सिट डाउन एंड वी टॉक बिकॉज वीव बिन अ पार्ट ऑफ दिस सीन सिंस दैट वाइल लाइक मैं सम्मोहित जब बैठते हैं या वह मतलब इट्स इट्स अ लिमिटेड सीन विच इज़ होपफुली चेंजिंग नाउ पर डैट हैज़ मेड इट अप टू दैट कम्युनिटी लाइक ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं बॉम्बे में जिन्होंने एक ऑडियंस uh, एक ऑडियंस बनाई हुई है अपने hmm. लिए

Are very fast -paced, उनके पास फक नहीं है ज्यादा देने को लाइक like, uh, दिल्ली शोज में और बॉम्बे शोज में लाइक like, मैं जानता को, दिल्ली उतना ही प्यार देता है जितना को बॉम्बे देता mm. है एंड वो इक्वली वो बोलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मेरा घर है पर देट इज लाइक होम आउटसाइड ऑफ होम वहां पे स्ट्रेंजर्स ऐसे बज रहे हैं जैसे वो मेरे सगे होना दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड एंड दैट सो मच लाइक पैशन है वो 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 है वो लव फॉर द गेम है लव फॉर द राइटिंग अंडरस्टैंडिंग है एंड mm -hmm. यहाँ पे भी उतना ही है पर इट्स जस्ट वेरी स्कैटर्ड इट देर इज जस्ट टू मच लाइक तुम सोचो तुम गाड़ी चला रहे हो और एक लाइट वाली टेम्पो चली गई और फिर वहाँ पे एक ट्रेन भी चली गई और प्लेन भी उड़ के चले गए एक टाइम पर तो तुम कहाँ फोकस करोगे रस्ते पर mm -hmm. वो वैसे वाली बात है दरअस टू मेनी डिस्ट्रैक्शन अराउंड यू देर इज ऑलवेज गोइंग टू ब डिफरेंस देर इज ऑलवेज गोइंग टू बिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट इज बींग मेड लैंग्वेज वाइज लिरिस्जम वाइज Uh, Slangs-wise, in every aspect, mm -hmm. but jab, that's what makes it exciting when an nanchaku happens. Yes. That's what makes it exciting when you know these co collaborations, mm -hmm. uh, when an Ojla Divine happens. Mm -hmm. You know, where you get to hear these two, two distinct flavors yeah. of music come together mm -hmm. and make like its own league in itself. Yeah. So I feel like, zaruri hai बहुत जरूरी है फ़र्क को बहुत जरूरी है कि हम सेम बातें ना करें बहुत mm -hmm. जरूरी है कि हम सेम तरीके से ऑपरेट ना करें हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम डबल डाउन करें और yeah. भी लाइक द सेम लाइक जस्ट गेट्स अ लिटिल क्लोजर टुगेदर एंड डज व्हाट इट हैज टू पर जितना फ़र्क है उतना बेहतर है उतनी इंडिविजुअलिटी ज्यादा है उतनी ज्यादा पर्सनैलिटी लाइक बेस्ट पार्ट वही है कि एन अल्ताफ डज इन वॉन्ट टू साउंड लाइक अ सम्मोहित आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक एन अलताफ़ एंड देट्स वाई द कोलेब्रेशन विल बी एक्साइटिंग लाइक यू नो उस yeah. मामले में सो इट इट इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देर शुड बी अ डिफरेंस बट वो इलाकों में बांटना ही नहीं है ख़ुद को ज़रा भी नहीं ज़रा भी नहीं हम हम हैं हम म्यूजिक बना रहे हैं हम कोलेबरेट कर रहे हैं इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग दिल्ली बॉम्बे है जो वही ना जब जब डिसरिस्पेक्ट आ जाता है ना एंड वेन यू स्टार्ट टेकिंग योर जर्नीज टू सीरियसली

लाइक ऑलरेडी रैप इज अश मेरे hmm. को अभी भी लगता है कि वी आर स्टिल अ नीश ऑफ अ नीश मेन स्ट्रीम जा रहे हैं बहुत लोग जो सिलेक्टिव आर्टिस्ट है वो मेन स्ट्रीम जा रहे हैं बट अब भी जो एक सीन है वो पूरा hmm. एक नहीं, नहीं अब तक हंड्रेड परसेंट अब एक मूवी बन गई मेन स्ट्रीम चले गए प्लेयर्स इंटरनेशनली शोज कर रहे हैं बहुत सही है बट हमें ऐसे और शॉ चाहिए तब जाके वो सीन बने सो आई फील लाइक अगर आर्टिस्ट ही खुद को एक दूसरे में स्टीरियो करते रहे ना hmm. कि यार ये तो ये किस्म का रैप करता है या ये तो ये टाइप का रैप करता है इन्होंने ऐसे टाइप का रैप बनाया आई फील लाइक फिर ऑडियंस और आर्टिस्ट में क्या फर्क हुआ ऑलरेडी बाहर से लोगों का परसेप्शन ऐसा है जो हमें बदलना है जो हमें मेन स्ट्रीम लेके जाना है जो हमको लोगों को समझाना है पर वो अगर विद इन आर्टिस्ट होने लग गया कि यार तू तो तू ये बातें क्यों करता है लाइक hmm. like क्योंकि वो उसका सच है यू you नो know, right. या ये इस तरीके का रैप क्यों कर रहे हैं उस तरीके का रैप क्यों कर रहे हैं मेरे को सच में लगता है कि जैसे हमने बात की थी कि द मोर ट्रू टू योर सेल्फ यू आर आई थिंक यू जस्ट गॉट अ रिस्पेक्ट एंड एम्पथाइज एम्पथी एज एन आर्टिस्ट कितना जरूरी है अगर मैं एक दूसरे आर्टिस्ट को समझ नहीं सक, सकता तो मैं खाक आर्टिस्ट हूँ यू नो मैं अगर इतना नार्सिसिस्टिक हूँ कि मुझे लगता है यही तरीका सही है hmm. ये चीज़ करने का तो तुम आर्टिस्ट नहीं हो लाइक like उस उस मामले में so, yeah. तो क्या ये जेनेसिस है डिस्ट्रैक्ट्स का क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट या फिर आप मेरे को बताओ कि होते हैं रियल होते हैं या फिर ये भी फैब्रिकेटेड है बस अपना जितना मेरे को बताया बता फैब्रिकेटेड तो मेरे हिसाब से नहीं रहा है अभी तक जितना भी मैंने सुना है जितना नहीं रहा है आई डोंट थिंक ऐसा कुछ रहा है पर डिस्ट्रैक्ट uh, भी मेरे को लगता है ब्रो लाइक वैसे वाली बात है कि कहीं किसी को चुप जाती है ना कोई बात है तो वो चुप जाती है फिर गेम में निकालो हाँ गेम में निकालो गो रैप अबाउट इट द इशू इज वेन इट गेट्स रियल

गाली दे दो भाई yeah. सब कर दो yeah. uh, कोई मर्यादा मत छोड़ो yeah. बन जाओ गलीच से गलीच बन जाओ yeah. उसमें नहीं है गलीफेक्ट लाइक यू दैट पॉइंट अगली एंड मेरे को जेनुअनली ये भी लगता है अरे बिना डिस्ट्रैक्स के yeah. वो ये वो करो बुरा लगता है डिस कर दो यार yeah. कोई सीन नहीं है करो yeah. पर मेरे को लगता है यार वेस्ट में ना जो भी रीजन के लिए होता है ना दिस इज वो बहुत लाइक डीप रूटेड है डिफरेंट like, भी है, है, है बहुत डिफरेंट भी है कॉन्टेक्सट ही बहुत डिफरेंट है यहाँ पे शायद मुझे लगता है थोड़ा जल्दी बुरा मान जाते हैं लोग क्योंकि यार आ, एक ये भी बात है कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर मुझे लगता है कि कभी कभी किसी का कंटेंट खत्म हो जाता है ना तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ इन योर लाइफ जस्ट टू कीप राइटिंग यू नो लाइक कि भाई अब तो इंटेंट मिल गया इतने टाइम से मैं रैंडम मैं बस रैप में बता रहा था कि भाई मेरा मेरा लौड़ा इतना बड़ा है और मैं इतना गाड़ी चलाता हूँ सॉरी पर अब तुमको इंटेंट मिल गया और तुम वो इंटेंट को चैनलाइज कर दिए तो फिर खत्म लाइक आई फील लाइक देन देन इट्स लाइक यू फाइंड न्यू टॉपिक्स टू राइट ऑन एंड यू आर जस्ट मिल्किंग फक आउट ऑफ इट सो सही है करो पैसे कमाओ बहुत पैसे कमाओ करो रैप करके पैसे कमाओ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि करो करोल रैप करो पैसे कमाओ जितना पैसे कमाओगे उतना कल्चर बढ़ेगा क्योंकि कल्चर सस्टेन सिर्फ तभी कर पाएगा जब उसमें पैसे हो जब लोगों को पता है कि ये लाइफ स्टाइल ये जिंदगी बन सकती है तो करो जो हो सकता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन में करो रैप करो एक दूसरे को कवालियाँ गाओ एक दूसरे के लिए आई डोंट केयर बट जाओ बिलीव करो

ये क्या जरूरत थी बात करने की ये क्यों कर दी <laughs> मैं नहीं जानता आपको आप नहीं जानते मुझे <laughs> ऐसे एक बोलनी क्यों बातें जो यू नो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिपल इफेक्ट क्रिएट करे बाद में कोई बीफ नहीं है बीफ करेंगे तब यार खुल के फुल मार काट वो नहीं बट लाइक घुस जाएंगे भाई लिखने और ऐसे कोई यू you नो know, सही हो तो मजा आए <laughs> वैसे बढ़िया क्लिक अमेजिंग <laughs> बढ़ but पीस हाँ। you know अमेजिंग content से

2020 पर वो स्ट्रीम करता था <laughs> पहले गेमिंग <laughs> स्ट्रीम करता था एंड आई थिंक वो सी ओ डी खेल रहा था या कुछ खेल रहा था और किसी ने उसको पैसे दिए थे <laughs> और उसने मेरा गाना उसको भेजा था कि ये सुनो <laughs> क्योंकि वो गाने का हुक्म सोते रहो काम पे ऐसे था तो <laughs> उसने सुना एंड एक रिएक्शन वीडियो है जहाँ पे काम दो हज़ार बीस में लाइक वो गेम खेलते हुए गाने <laughs> पे बम्प कर रहा है एंड मैं ऐसे फ्लैबरगास्ट था इस लाइक डैम यार ये दिस इज वन ऑफ द डूड्स दैट आई रियली फक विथ इन म्यूजिक लाइक दिस गाइज़ अ क्रेजी तो एन एच सेवन में बैक स्टेज पर गया एंड मैं मतलब प्रसाद जी गए <laughs> उनको मिलने जस्ट टू विश दैम लक फॉर बिफोर गटिंग द स्टेज तो मैं बस आया एंड मैं मेरे को पता नहीं किससे <laughs> बात करें प्रसाद जी को बोला कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे तो काम था सामने <laughs> <laughs> तो मैं एकदम ऐसे एक सेन के लिए हो गया लाइक हेलो ब्रदर कैसे हो बोलता तो है यशराज मेरी जान कैसा है तू और मैं ऐसे खड़ा हो गया hmm. मैं था कि यार ये मुझे जानता, जानता है।, है ये कैसे जानता है भाई like, तू किल कर रहा है 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 तेरा म्यूजिक सुनते हैं मैं ऐसे हो गया कि ये ये hmm. ये होता है, ये होता सच में hmm. क्योंकि हमने कुछ बातें नहीं की थी फॉर टू ईर्स नो कम्युनिकेशन नो नथिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड्स टू डिफरेंट जर्नीज एंड ऑलवेज एडमायर ऑफ देयर वर्क एटलीस्ट इन माई हेड जितना मैं जानता हूं एंड गए फिर मिला उनसे ल अंदर ऑंकोर और ब्लंट है नाउ डी जे ब्लंट मैंने कई बार भी बोला डी जे ब्लंट इज द गाय दैट टॉट मी हाउ टू रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ अ माइक बैक ही इज एन वन ऑफ द वन ऑफ द ओ जी इज इन द बॉम्बे सीन एंड यूज टू ऑलवेज हैव दिस सेट दैट यूज टू प्ले अब the एड करके एक वेन्यू में जहाँ गिग्स ख़त्म हो जाते थे mm -hmm. और रैप ऑफ होने के लिए बीस मिनट होते थे mm -hmm. और बीस मिनट का वो सेट बजा सिर्फ आर्टिस्ट के लिए mm -hmm. और वहाँ पर सब मतलब वाल वारली रिवोल्ट बज रहा है हम mm -hmm. सब के गाने बज रहे हैं जो अन रिलीज वाले रिलीज वाले हम लोग सब लोग बस बैठ के मॉश करते थे आर्टिस्ट एंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड सो ही हैज सीन माई एंटायर जर्नी फ्राम वेरी अप क्लोज फिर गए अंदर वैनेटी में जोटे फूके गुड मैन लाइक वैसे मामले में एंड देन नेक्स्ट ईयर जब नायब निकली लाइक like, मेरी ई पी भी जस्ट खत्म हुई थी एंड mm -hmm. uh, थोड़े गाने थे जहाँ मैंने अनरिलीज बजाए थे एंड दैट टूर एक्सपीरियंस वॉज हमने बॉम्बे पुणे साथ में किया था एंड mm -hmm. बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया हम मेरे को इतने मेमोरीज़ है उस टाइम के जहाँ पे शो के वेन्यू पे जाने से पहले मैं ओंक और कहाँ सब बैठते थे और हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू ही देखते थे होटल uh, रूम में बैठ के और बस बकचोदी हम लोग हंसते खेलते थे हम लोग मज़े करते थे फिर रात को शो बजा के और चिल करते थे साथ में एंड इट वॉज़ जस्ट लाइक वो इतनी कमराडरी बिल्ड हो गई ना वहाँ पर एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज आई थिंक आज भी मेरे पास थोड़े लोग आके बोलते हैं कि ब्रो आई सॉ यू फर्स्ट एट दी एंड एट द नायाब शो एंड वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज डैम लाइक वो दे नॉट ओनली गेव दैट प्लेटफॉर्म लाइक हम भी कर रहे थे शोज वी आर डूइंग एवरी थिंग बट जस्ट वेन टू फैन फॉलोइंगस कम टूगेदर आई रिमेंबर बॉम्बे का एंटी सोशल का शो दैट वॉज नायाब का इफ यू हैव सीन दैट शो लाइक आई थिंक कुछ साढ़े छः सौ लोग हमने एंटी में पैक कर दिए थे चलने की जगह नहीं है और मेरे सेट से लास्ट सेट तक पूरा वेन्यू पैक छह मॉशपिट खुल रहे हैं ऊपर तक लोग खड़े हैं बस वहां उनको ऊपर चलने की जगह नहीं है स्मोकिंग रूम पैक्ड है एंड mm. वो मोमेंट वैसे वेन्यू पे परफॉर्म करना जहां पे बजने आए हैं सिर्फ लोग वाज लाइक अ मोमेंट इज वाज जेन्यूनली अ मोमेंट सो मेरे को लगता है वैसा वाला बॉम्बे शो एंटी mm. में जो बैकर हमने बजाया था आई थिंक जो लोगों ने देखा वो जानते हैं उनके दिमाग में आज भी फ्रेश है कि क्या कैसे लोग पिट रहे थे और क्या मजा आ रहा था तो या इट्स इट्स अ वेरी स्पेशल मेमोरी इन माय हेड लाइक जस्ट बीइंग एबल टू ट्रैवल विथ द ब्रदर्स एंड रियली स्पिट मजेदार बहुत मजेदार पता है आपसे बात करके ऐसा लग रहा है दैट यू नो योर एंटायर लाइफ योर एंटायर जर्नी रैप सीन एवरीथिंग इज जस्ट वेरी हैप्पी एंड यू नो गुड

आई एंटर दिस गेम विथ दी अबिलिटी और जस्ट द मैंटेलिटी के मैं सीखने आया हूँ एंड hmm. उसमें उसमें फिर लाइक आई कैन ओनली बी हैपी दैट आई एम लर्निंग लाइक वो वो वाले वो रेंचो वाली एनर्जी hmm. है वो कि कहीं भी कोई भी क्लास में कहीं से भी कुछ मिल गया ना मैं सीखने आया हूँ यहाँ अपॉर्चुनिटी बना अपॉर्चुनिटी बना रहा हूँ बस मैं hmm. बैठ के यहाँ नहीं कंप्लेन करने वाला कि यार ये ये दिक्कतें हैं दिक्कतें तो बहुत हैं hmm. उनके बारे में बात करने से दिक्कतें नहीं ठीक होंगी उनके बारे में कुछ करने से दिक्कतें ठीक होंगी और मुझे लगता है कि वो मैं ग्लोरीफाई कर सकता हूँ मैं बहुत सेलिब्रेट कर सकता हूँ मेरे प्रॉब्लम्स को पर uh, मेरे लिए एक चीज़ जो थोड़ी बैकफायर भी हुई इज जैसे आपने बोला कि इट्स इट्स ऑलवेज बिन सो हैप्पी अराउंड यू पीपल थिंक दैट आई गॉट इट वेरी ईजी एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो मैं हमेशा से चाहता था कि लोगों को ऐसा लगे कि ये सलाह बहुत लकी है

ना वो गाने सुने ना वो जर्नी देखी लाइक hmm. like, मेरे को इसलिए बुरा लगता है कभी कभी जब दूसरे शहर के लोग बोलते हैं कि मैं बॉम्बे सीन का <laughs> बॉम्बे सीन में था ही नहीं लाइक यू नो वैसे वाले इट्स सो फनी टू मी बिकॉज हम सबके आज भी फोटोज हैं हम सबके आज भी ऐसे अजीबो गरीब hmm. वीडियोस पड़े हुए हैं और जब मैं ग्रेविटी फरहान श्रेयस हम लोग सब लोग जब भी साइफर करते थे hmm. साथ में और बस मौज मस्ती करने जाते थे गिग्स पे ऑंकोर uh, के साथ हमारा एक बहुत लाइक like, एक पुराना पेज हुआ करता था इंडियाज फाइनेस्ट हिप हॉप करके वहाँ hmm. पे एक बहुत क्रेजी वीडियो है जहाँ मैं ई एम एफ करके एक बैटल रैपर है तोड़फोड़ अल्ताफ ओंकोर श्रेयस ग्रेविटी हम लोग सब लोग एक साइफर में स्मोकिंग रूम में हैबिटाइट के बाहर hmm. और हम बस स्पिट कर रहे हैं और इतने देखोगे इनोसेंट से चेहरे इतने गंदे वर्से स्पिट कर रहा था मैं hmm. वाहियात से बिल्कुल <laughs> पर या uh, yeah, मतलब वो इतने पास से देखा है hmm. ये ये जो है ना ये जो है ना ये एनर्जी लेके ही चलना है मेरे को मेरे को नहीं बैठना सर पकड़ के मेरे को नहीं बोलना कि यार ये है कर लेंगे दिक्कत है ना फिगर आउट कर लेंगे वो वो नो इन सिनेमा आर्मर वाला सीन mm. है कि तुम्हें कहीं खामियाँ दिखेंगी ही नहीं बाहर से तो वैसे वाली बात बट वट इज यशराज लाइक इन इज वीकेस्ट मोमेंट्स आई थिंक आई एम वेरी आइसोलेटेड आई एम अगेन वन ऑफ दोज पीपल दैट डज नॉट प्रेफर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम अलॉट क्योंकि मेरे को लगता है मैं बहुत बर्डन कर रहा हूँ किसी को या फिर मैं ऐसे बोलते हैं ना कि मैं बैगेज दे रहा हूँ किसी को mm. तो मैं थोड़ा अकेला होना चाहता हूँ थोड़े टाइम के लिए और आई जस्ट वॉन्ट टू टेक इन दैट सिचुएशन मेरी एक दोस्त ने मेरे को बोला था थोड़े टाइम पहले कि इमोशंस uh, के बारे में लोग जब बात करते हैं ना वो ये भूल जाते हैं कि इमोशंस फील करने के लिए बने वो फील तो कर लो फिर बात कर लेना उसके बारे में बाद में वो जब ओवर इंटेलेक्चुअलाइज़ भी हो जाता है ना जब वो एक अवेयरनेस आ जाती है तुम जब ऐसे वो को जाते हो <laughs> एक पॉइंट <laughs> पे अपनी ज़िंदगी में तो तुम बहुत सिंपल चीज़ें भूल जाते हो कि यार अगर तुम्हें रोना है ना तो क्यों रोना है ये मत सोचो रो लो नहीं। नहीं। फिर एक दो हफ़्ते बाद बैठ के सोच लेना कि क्यों क्यों कहाँ से आया था हाइडसाइट में समझ जाना कि क्या था क्या नहीं था नहीं। तो मैं वैसे मैं जनरली वैसे टाइप का इंसान हूँ जो कभी कभी ऐसे वीक है स्पॉट्स में जब मुझे बस एक एक ऐसा महीना आता है छः सात महीनों के बाद जहाँ मुझे बस रोना होता है मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को आइडिया नहीं है किस इंटेंशन से या कुछ कोई चीज़ बिल्डअप भी नहीं हो रही थी पर मुझे ज़रूरी लगता है और मैं वो करना भी पसंद करता हूँ कि बस आज डेलिब्रेटली मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ या सुनता हूँ जो मुझे ट्रिगर करे और मैं बस निकाल लेता हूँ मेरे आंसू और आई एम गुड फॉर द नेक्स्ट गुड सेवन एट मंथ्स हल्का महसूस हो जाता है मैं बहुत उसका स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि यार शायद बातें करना मेरे लिए उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना उसके साथ बैठ के रहने में यू नो you know, वो वो एक जनरली एंड वीकेस्ट मोमेंट्स में तो Uh, वो एक्सट्रीम एंड्स कभी कभी बहुत रियल हो जाते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस बहुत ज्यादा कि यार ये क्यों क्यों हो रहा है अगर मैं खुश नहीं रह सकता इसमें या अगर मैं जैसे आपने बोला लाइक इट्स बिन अ वेरी हैप्पी जर्नी मेरे लिए वो एक्सट्रीम बहुत जरूरी है मेरे लिए लाइक जस्ट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइक ओह वाह मेन्ज एक्सपी पॉडकास्ट पे हूँ मैं आज यू नो दिस इज़ ऑल्सो वेरी आई विल सेलिब्रेट दिस लाइक आई सेलिब्रेट अ सॉन्ग रिलीज यू नो बिकॉज दिस इज़ ऑल आई हैव मतलब साठ साल पर मैं ये बैंक बैलेंस तो दिखेगा ही पर कितना ही लेके जाएंगी कितना ही लेके जाना है इसके बाद ये ये बोलते ना कि मरने के बाद एक ऐसे एक, एक मिनट का डी एम टी ट्रिप आता दिमाग में वेर mm -hmm. पूरी लाइफ रिवाइंड होती है फ्लैशबैक फ्लैशबैक होती है, होती है। mm -hmm. मेरे को वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनानी है वो एक मिनट में ना ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये बंदे ने तो mm -hmm. और फिर मैं ऐसे स्माइल के साथ ही चला जाऊं स्माइल के साथ आया स्माइल के साथ जाना है वैसे इट्स mm -hmm. लाइक अगर मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाता ना ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बहुत कॉन्शियसली सीखनी पड़ी वरना आई हैव टू जस्ट ब्रश एट अंडर द रग की हाँ ये हो रहा है ठीक है सही ऑन टू द नेक्स्ट ऑन टू द नेक्स्ट वो वो हंगर और वो ड्राइव के चक्कर में ना ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस आउट हो yeah. जाती हैं पर जब कॉन्शियसली खुद को बोला कि यार सेलिब्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा लेट्स सेलिब्रेट द स्मॉल विन लेट्स सेलिब्रेट द स्मॉलेस्ट मोमेंट्स विद द पीपल लाइक यू नो और इवन अलोन लाइक खुद अकेले बैठ के चॉकलेट खोल के खाली इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन सो वही मैं बोलूँगा कि लाइक टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट ऑल्सो छोटा मुंह बड़ी बात कि अपने हर एक स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो इट माइट नॉट सीम लाइक द बिगेस्ट जैसे किसी को कोई कब कोई इंस्टाग्राम म्यूजिक पेज फीचर कर लेता mm -hmm. है यानी बोला कि यार ये तो यही है पर इसका देखना ये तो बिल बोर्ड पर आ गया अगर तूने आज ये सेलिब्रेट नहीं किया ना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तू जब वहाँ भी पहुँचेगा ना तभी भी तेरे में खटास होगी तभी तुझ तुझ भी तुझे भी लगे, भी नहीं कर, कर पाएगा कंडीशन कर लिया ना तूने पूरी ज़िंदगी खुद को hmm. कि यार ये दिस इज़ नॉट इनफ नॉट इनफ नॉट इनफ तो वो तुम हमेशा वो शुकराना नहीं कर पाओगे तुम तो मुझे लगता है कि वो एक और वो जब मैं वैसे नहीं फील करता हूँ ना वेन आई नॉट एबल टू सेलिब्रेट और बींग ग्रेटफुल आई नो देट कुछ गलत चल रहा है आई नो कि ये

होती है तब वही दिख जाते हैं जैसे पैर हिलने लग जाते हैं यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दीज टाइनी टाइनी लाइक थिंग्स वो एंग्जाइटी नहीं बोलना चाहूँगा मैं hmm. उसको एंक्शियस हो जाता हूँ कभी कभी hmm. uh, जैसे शो इनिशियली शोज़ के पहले बहुत हो होती थी hmm. कि यार अब अब कैसे करेंगे अब ये वो बिकॉज प्लेज एंड थिएटर्स थिएटर करते थे हम लोग स्कूल में कॉलेज में uh, तब यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर तो तुम उस कैरेक्टर में घुसे हुए हो बट हियर यू आर यू देर इज़ नो कैरेक्टर यू आर स्टेज पे घुस रहे हो अपने गाने लेके अपना सब लेके एंड उसके पहले होती थी पर वो भी अब चिल हो गई अब वो हो गई है कि ठीक है मेरा ही स्टेज है मैं ही आया हूँ मैं ही जेजी हूँ मैं ही आऊँगा ऐसे आई ओन द स्टेज वाली एनर्जी लेके आना एंड <laughs> वो भी कम हो गई और है थोड़ा रियल लाइफ शर्ट जब हो जाता है जब आई थिंक फैमिली और फ्रेंड साइड पर जब हो जाता है तब थोड़ा सा हो जाता हूँ बट <laughs> मैं बहुत कन्फ्रंटेशनल हूँ उस मामले में कि कोई चीज़ अगर बॉडर कर रही है तो मैं मुँह मुँह फटूँ उस मामले में कि यार ये बॉदर हो रही है बात कर लेते हैं एटलीस्ट मैं लेके नहीं सोना चाहता लाइक like मैं सोने से पहले सॉल्व कर दो आज नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी चलेगा हुँ. पर बात कर लेते हैं उसके बारे में एटलीस्ट वैसे बट नॉट नॉट दैट सिवियर एज ऑफ नाउ ये पता है बहुत अच्छा ट्रीट होता है रिलेशनशिप्स में हाँ. कि लड़ाई हो गई तो रात को लेके मत सो उस सड़ाप को वही, 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 बात वही, कर लो वो दैट्स ऑलवेज बिन द प्रेफरेंस की ओपनली बात करते हैं

In in love hmm. or a a relationship, what kind of a person are you? Like 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 I I said, I'm like I'm very confrontational hmm. and I'm, uh, very confrontational like, and think passion is a umbrella concept. मेरे को लगता है कि तुम एक चीज के बारे में पैशनेट नहीं हो सकते सिर्फ एक चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हो सकते अगर तुम एक पैशनेट इंसान हो ना तो तुम हर चीज़ उतने पैशन से करते हो वो प्यार हो तुम्हारा काम हो वो फैमिली टाइम हो या कोई भी हो तुम हो तो तुम वही हो पूरे दिल और जान के साथ तो

एंड इट हेल्ड इन दोसाइटी आज कल रिलेशनशिप से ज्यादा लोग हूँ उस मामले में मतलब मेरा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जैसा है पर मैं ऑनिस्टली बिलीव करता हूँ कि यू डोंव टू पिक द राइट वन टू अर्ली जाओ वो वो इसमें ना आलिया भट्ट की कौन सी मूवी हर चेयर पे बैठ के देखो ज़िंदगी ग्रेट अनोजी ग्रेट फ़किंग फनोलॉजी कि जाओ हर कुर्सी पे बैठो देख के आओ आ, क्या है क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस प्रोसेस में तुम तुम्हें खुद को यू विल नो योर सेल्फ बेटर एंड यूलो नो हाउ यू लॉट ऑफ सिचुएशन मतलब जेनजी डेटिंग सीन मेरे आई वांट टू लुक डाउन अपॉन इट क्योंकि लाइक है यार जनरेशन है ऐसा मैं भी जेनजी से ही हूँ मतलब मैं टू थाउजेंड बॉर्न ही हूँ पर uh, थोड़ा उस मामले में ओल्ड हैड हूँ बट आई एम लाइक मजे करो यार देर इज़ नो मॉरल कॉम्पसिंग इन दैट एस्पेक्ट तो mm. करो जो करना है करो गेट इन टू ट्वेंटी रिलेशनशिप्स गेट योर हार्ट ब्रोकन फोर्टी टाइम्स बट वही

मैं मैं जब भी कोई ऐसी दिक्कत में हार्ट ब्रेक में mm. कहीं ऐसे पड़ जाता हूं ना आई एम लाइक भाई इसके बाद जब बाहर निकलूंगा ना अनफक्वर्टेबल हो जाऊंगा मैं टिल देन द नेक्स्ट टाइम फिर तुम yeah. होते हो तुम पूरा बिखर जाते हो वापस mm. बनते हो mm. पर वो बिखर के बनने का जो फीलिंग है ना mm. मुझे बहुत पसंद लाइक like, यार तू ऐसे किसी ने मेरे लाइफ में समी सब सोल आउट ऑफ मी और अब मुझे वापस वो ढूंढनी है खुद को ढूंढना है कि मैं हूँ क्या और मैं कौन हूँ और उसके बाद जब वो वाली फीलिंग मेरे को काफ़ी मज़ेदार लगती है बहुत रोना एक्सट्रीम तुम समझते हो न कि तुम कितने एक्सट्रीम हद तक जा सकते हो तुम कितने फिल्मी हो तुम कितना रियल कि तुमने जो सोचा कि तुम इतने इंटेलेक्चुअल हो और इसके पहले रिलेशनशिप में तुम मेचोरिटी की बात कर रहे हो सच में समझता है दिल टूटने के बाद कि तुम किस एक्सट्रीम हद तक चले जाते हो कि मार पीटते हो दोस्तों के साथ कितना दारू पीते हो तुम उनके बारे में क्या बोलते हो रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद वो सारी चीज़ें तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक आईना है जैसे लाइक लाइक यू स्पोक अबाउट इट्स अ लाइक सॉरी दिस आर साइड ट्रैक कर रहा हूँ बट हुसन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिटन सॉन्ग आई रियली रियली लाइक रियली फक विद अनूव जैन एज अ सॉन्ग राइटर मैन मेरा दोस्त ही है एंड आई फील लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटर्स इन दिस कंट्री आई फील पर हाँ बहुत खूबसूरत लिखता है तो वो गाना भी बहुत ब्यूटीफुल है एंड हाँ वो वो आईना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है िकॉज यू 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 आर नॉट एज सिक्योर एज यू थाट वर यू आर नॉट एज स्टेबल एज यू थाट वर तुम इतने भी मेच्योर uh, नहीं हो कि तुमने रिलेशनशिप अच्छे नोट पहन करके तुम बिखर गए hmm. तुम रो रहे हो तुम दोस्तों के घर जा करके दारू पी के पीके रो रहे हो एंड वो तुम जब खुद को आईने में देखते हो ना इन द मोस्ट लिटरल सेंस उस हालत में लाइक एंड देन यू डिसाइड कि यार जिम ज्वाइन करना है या यू नो लाइफ सीधी ट्रैक पे लेके आनी है या कोई गोल मिलना है कल से सुबह सात बजे उठना है अगर सच में जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो साढ़े नौ बजे आ जाओ वैसे वाली फीलिंग लेके पर हाँ

Gucci, amazing. Perfect. Then I also see that person as so much more than probably they see themselves. लाइक like, वो एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना कि यार लाइक अगर तू ये भी करे ना और ये भी करे ना तो कितना सही हो जाएगा पर ये फिर भी मेरे पर्सपेक्टिव से आता है एंड आई रियलाइज शायद मैं जैसे ऑपरेट करता हूं ना वैसे सामने वाला बंदा नहीं ऑपरेट करता hmm. उनके इंटेंशन अलग है उनके तरीके अलग है एग्जैक्टली एंड मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत लाइक विद दैट एंटायर एनर्जी कि ब्रो तू ये कर दे यहा ये कर ले ये हो जाएगा आई हैड टू रियली रिवाइंड टैट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि यार कर लेंगे दे विल फिगर इट आउट आई थिंक रियल लाइक वरना वो एक नीड आती है ना कि आई कैन आई रियली वॉन्ट टू हेल्प दिस पर्सन आई रियली वॉन्ट टू बी देयर विद पर्सन बट बींग विम आर टू डिफरेंट थिंग्स यू नो मैं मैं तेरे साथ हूँ पर तुझे खुद की मदद करनी yeah. पड़ेगी इसमेंट कर काफी सिर्फ मैं बैठूंगा मैं सुनूंगा सब कुछ <laughs> तू आके सारी चीज़ें बता दे मेरे को मैं सुनने के लिए हूँ यहाँ पर मैं शायद ऐसा कुछ ना बोल पाऊँ जो तेरी ज़िंदगी बदल दे जो मुझे पहले लगता कि ब्रो मैं बदल दूंगा तो सुन के तो देख लाइक <laughs> like वो वैसे वाली बात पर वो समझना पड़ा कि यार नहीं यार नहीं 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 ये मैं हूँ नहीं और मेरे पास कोई गारंटी नहीं है नहीं। <laughs> कि ये हो जाएगा ठीक तो मैं किसी की क्यों किसी को उस तरीके से थोपूँ मेरे आइडियोलॉजीज़ या मेरे एम्बिशन्स किसी के लिए तो मेरे को लगता है वो एक मेरी थोड़ी सी टॉक्सिक ट्रेट, ट्रेट है।, है और अगर आपको अपनी आइडल आइडल वुमन डिस्क्राइब करनी होगी पार्टनर तो कैसी होगी सही होगी कूल होगी बहुत लाइक <laughs> <laughs> <Like>, uh, <laughs> नहीं पर ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग इज द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि अगर इस इस सिचुएशन में और इस रिलेशनशिप में अगर हम जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है <laughs>

मेरे को किसी ऐसे इंसान के साथ रहना है जो मेरे को इंस्पायर करे hmm. हर दिन राइट आई कैन लुक अप टू हिम यू नो फॉर वीमेन ना इट मैटर्स अलॉट कि वो अपने पार्टनर इंप्रेस हो सके इंस्पायर हो सके hmm.

इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग नहीं मैं मैं बस वही लाइक आई अग्री टू सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव जस्ट सेट मैं ये भी बिलीव करता हूँ लाइक यू सेट वो एम्बिशन इंडिविजुअल इंडिविजुअलिस्टिक होना बहुत जरूरी है लाइक अ रिलेशनशिप इज मोर देन फिफ्टी फिफ्टी आई थिंक इट्स अ हंड्रेड हंड्रेड ऑन बोथ साइड्स and then that becomes 200 mm. <laughs> and that's a terrible analogy but you know what i'm <laughs> trying to say right i feel like when two people are so so individualistically themselves firo mm. compatibility test वरना वो एक डिपेंडेंसी एक जो फोम लाइक वो डिपेंडेंसी और कम्ब्रॉडरी में थोड़ा फर्क होता है लाइक आई वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट को डिपेंडेंट इन 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 सर्टन प्लेस लाइक इमोशनली कब जरूरत है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट ये नहीं है कि यार मेरे बिना ये फंक्शन नहीं कर पाएगी और मैं इसके बिना फंक्शन नहीं कर पाऊंगा yeah. फिर कुछ बहुत फंडामेंटली गलत है मेरे में सो लाइक यू सेट द पर्सन यू डिस्क्राइब्ड आई फील लाइक द मोर आई फोकस ऑन बिकमिंग वन ऑफ लाइक द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट आई थिंक वो आइडियल पर्सन भी उस तरीके से अलाइन हो जाएगा लाइक like, वो वो मैं बहुत स्ट्रांगली हमेशा बोलता हूँ कि यार थोड़े लोग जो है ना जिंदगी में तुम ढूंढते हो एक उम्र तक फिर उसके बाद मिल जाते हैं हाँ। उसके बाद अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं तुम्हारे जर्नीज़ में अपने अपने आप तुम उनको अपने लाइफ के अराउंड सराउंड कर लेते हो वो होना तो गरम गरम पॉडकास्ट चालू किया अब तो बहुत जाना है बहुत करना आपने भी किया था मस्ती यार वो तो वो शो मैंने लेजिट जीजी मैड लव टू हिम ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट वो स्टेडियम है ना वो स्टेडियम में बजाना एक सपना था मेरे को बस हमेशा से बहुत अगेन वेरी फिल्मी बहुत चूतिया बात पर मेरा था कि अगर मैं कभी जाऊँ ना मरीन ड्राइव से और मेरे बच्चों को बोलूँ कि वो देख रहा है स्टेडियम वहाँ बजाया है तेरे बाप ने बस उस रीज़न के लिए उस रीजन के लिए जी तो बहुत बस फ्यूचर फ्लेक्स की यार ये स्टेडियम में किया है और अपने नाम पे किया है yeah. अब अगला गोल वही आ जाता है कि अब पूरा ही खुद के yeah. नाम पे करें तो फिर और अलग लेवल पे जाए yeah. पर इतना बता सकता हूँ कि किया है yeah. किसी ने और ने नहीं बुलाया yeah. किसी के सेट पे फीचर yeah. नहीं किया किसी के लिए एक गाने के लिए नहीं आया पूरा एक घंटा चालीस वन फोर्टी फाइव मिनट्स का पूरा एक सेट बजाया और दिल से बजाया मज़ा आया जैसे भी एक्सपीरियंस so बहुत crazy. बहुत कूल cool चीज थी वो बहुत कूल cool चीज थी तो ये तो जो आपने किया हाँ। अब आगे क्या करना है What is हाँ। up next? पता नहीं कब आएगा पर अभी एक ईपी uh, पे काम कर रहा हूँ hmm. उसके तीन गाने बाहर आ चुके हैं hmm. बाकी आ ही जाएंगे होपफुली जब तक आएगा या तब तक निकल गई होगी तो स्ट्रीम uh, करते ना जितने भी लोग सुन रहे हैं <laughs> <laughs> जब तक ये अपने नहीं बट बहुत अलग टर्न ले लिया लास्ट uh, ईयर तक आई हैड लाइक इन लास्ट ईयर आई थिंक आई हैड ट्वेंटी एवरी थिंग एक प्रोजेक्ट डाला दो गाने का लड़के सिंगल्स निकाले इश्क नचावे आया लास्ट ईयर mm. बहुत सारी मस्ती की एंड मेरे पास आई हैड अ लॉट ऑफ डेमोज इस साल निकालने वाला था mm. पर फिर मैंने बस सोचा कि यार बाहर में गए वो डेमोज लेट्स मेक समथिंग फ्रॉम स्क्रैच जो मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ ना mm. उसके बारे में एंड बस वो मस्ती कर ली और बस घुस गए रिसर्च में उसके mm. साउंड के बारे में उसके लाइक uh, सोनिक्स like मैं बोलना क्या चाहता हूँ कितना बोलना चाहता हूँ आई थिंक वो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का ये पार्ट था कि यार आई डोंट नीड टू बी रैपिंग फॉर फोर मिनट्स ऑन अ बीट टू गेट अ पॉइंट यस इट हैज टू कन्वे द एसेंस ऑफ द जॉनर विच इज डिस्को उसके स्ट्रक्चर्स उसके उसके साउंड जो होने चाहिए कहाँ वेर आई हैव टू लेट द इंस्ट्रूमेंटल ब्रीद और मेरे को किस कैपेसिटी में ये बातें एक्सप्रेस करनी है टू टू गेट बेटर एज अ सॉन्ग राइटर लाइक आई थिंक रैपिंग इज अ स्किल हिप हॉप इज़ अ कल्चर एंड हिप हॉप म्यूजिक मेकिंग म्यूज़िक थ्रू ऑल दीज जॉनर इज़ अनदर स्किल सेट ऑल इट सर इन इट्स क्योंकि मुझे लगता है रैप तो बहुत लोग कर सकते mm -hmm. हैं बट ग्रेट हिप हॉप म्यूज़िक बहुत कम लोग बना सकते हैं एंड आई थिंक वही सबसे बड़ा फर्क आ जाता है सो जस्ट टू लर्न हाउ टू लाइक यूज रैप और हिप हॉप एज द राइट टूल

अगर मैं शहरों में आऊँगा परफॉर्म hmm. करने बट ये लाइव वाला प्रोजेक्ट है ये अगर तुम आओगे और इन पर्सन सुनोगे ना उसका फीलिंग बहुत अलग होगा कम्पेयर टू लिसनिंग टू इट ऑन स्ट्रीमिंग hmm. वो एक अलग इमोशन इमोट करेगा ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा सो एम आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट थैंक आई होप आप सुने आप आओ शो पे कभी तो

हमारे ही मेड दिस सुपर कूल अप एंड हमारा एक इंटरनल जोक भी था कि uh, तो आयुष्मान और ऋषभ फ्रॉम लॉस्ट स्टोरीज तो हम लोग जब भी करते थे, थे ना काम तो मुझे ना हमेशा एंड मोमेंट पे बुलाते थे mm. कोई भी चीज के लिए कि ब्रो यार ये लग रहा है तेरे को क्या लग रहा है इसके mm. बारे में तू वर्स लिख देगा देगा क्या ये कर देगा, वो कर देगा म्यूजिक mm. में वट तो मैं ना जल्दी जल्दी लिख लेता था इवन विद द कश्मीर प्रोजेक्ट लाइक मैंने वो कुछ पांच छह घंटे के सेशन में mm. मैंने तीनों गाने उड़ा दिए थे एंड दैट्स बिकॉज मैं फ्री स्टाइल करता हूं और मेरे को बस मजा आता है लाइक इफ इफ एम एम इन वो फ्लो स्टेट में निकल जाता है तो उन लोग मेरे को जेप डिलीवरी बुलाते थे उन लोग मेरे को बोलते थे कि अरे ये तो जेप डिलीवरी है वर्सेस का ये कभी चाहिए आ जाएगा पांच मिनट में लिख देगा ये मैं बोला मैं क्या छू दिया बैठा जो तुम लोगों ने मुझे ऐसे बना दिया है कि मैं पांच मिनट में लिख दूंगा वर्सेस मेरे को टाइम चाहिए क्योंकि भले लिखने में पांच मिनट लग जाए भले लिखने में पांच मिनट लग जाए बताना थोड़ी है मतलब आर्टिस्ट हाँ का काम क्या है मतलब कोई भी चीज हो लाइक सबसे बड़ी चीज आर्टिस्ट को मैं यही बोलूंगा की Uh, तुम्हें काम करने में भी जितना टाइम लगे वो क्लाइंट को मत बताओ उनको नहीं पता चलना चाहिए कि तुम आठ घंटे लो लो पूरा पूरा भले लास्ट के तीन घंटे में कर रहे हो तुम लोग वॉट एवर सो तो वो जेप डिलीवरी वाला जोक हो गया और फिर ये कोलेबोरेशन आया तो मैंने बोला वाह रे भगवान ये ये क्या तारे ऐसे अलाइन कर रहा है मैजिकली तो वाह बहुत कूल चीज़ थी वो बहुत जितने भी लोगों के घर पे डिलीवरी पहुंची लाइक उनके स्टोरीज आए एंड लाइक फक आया बहुत बहुत कूल चीज थी क्योंकि इट्स लाइक योर वो अनकन्वेंशनल जो आउटरीच है ना वो कम हो गया है एट दिस टाइम लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू लाइक आई सेट पूरा मार्केटिंग बजट सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल में मेनली चला जाता है पर जो ऑफलाइन ग्राउंड लेवल जो मस्ती होती थी पहले जो लाइक पॉप अप कॉन्सर्ट्स आ सकते होते थे बैक इन द डे वेरी योर फेवरेट रॉक बैंड इज परफॉर्मिंग एट दिस रैंडम लोकल यू नो वेन्यू और समथिंग लाइक दैट और कहीं कोई भी यू नो रैपर इज फ्री स्टाइलिंग इन अ पार्क एंड सडनली दैट्स जस्ट बिकम द बिगेस्ट थिंग एवर वो अब इतना नहीं होता ना एवरीबडी इज लाइक टू मच ऑन द सोशल मीडिया शेय सो आई वॉज लाइक दिस इज़ वेरी कूल दिस इज लाइक अ वन वे टू रीच देर हाउस सुनो मैच ये लो ये लो आई एम फोर्सिंग माई म्यूजिक ऑन योर

Thank you for having me on this podcast yes. and thank you for this platform. Really appreciate it. Yes. And we will appreciate your comments in the comment section below to tell us how it was. <laughs> Until then, please keep watching Men's XP.